हेलो बच्चों, तो टॉपिक है हमारा रेसेसिव इपिस्टेसिस। सबसे पहले समझिए इपिस्टेसिस होता क्या है। इपिस्टेसिस, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट मान लीजिए स्मॉल सीसी जीन है, ओके, और अगर ये कैपिटल ए जीन के एक्सप्रेशन को रोके, ठीक है ना। स्पेशली जो कैपिटल ए जीन है ये ग्रे कलर के लिए है सपोज मान लीजिए, लेकिन ये स्मॉल सीसी जीन अगर ए के एक्सप्रेशन को रोके, ठीक है ना, तो स्पेशली जो सी होगा ये कहलाएगा ईपी स्टैटिक जीन। ईपी स्टैटिक जीन। और दूसरी बात, चूंकि ए का एक्सप्रेशन रोका गया है, ठीक है ना, ए मास किया गया है, तो इसको बोलेंगे हाइपो स्टैटिक जीन। हाइपो स्टैटिक जीन, क्लियर है ना। तो जो जीन मास्क करेगा उसे बोलेंगे हम इपिस्टेटिक जीन, और जो मास्क होगा उसको बोलेंगे हम हाइपोस्टेटिक जीन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एक क्रॉस बना रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सी जीन है, ओके, ये कलरफुल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलरफुल माइस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। जबकि ये जो ए जीन होगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपका एगोटी कलर, एगोटी जिसको आप ग्रे कलर भी बोलते हो, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, रेसेसिव इपिस्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेसेसिव जीन है ना स्मॉल सी ये कैपिटल ए ए जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है। जरा ध्यान देखिएगा, यहां पर सपोज दैट एक कलर्ड माइस है, क्या है ये कलर्ड माइस है, ठीक है ना, ओके, और ये एक अल्बिनो माइस है, दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है, तो उनसे जो F1 जेनरेशन का माइस मिल रहा है, जो चूहा पैदा हो रहा है, वो एक्चुअल में एगोटी या एक ग्रे कलर का है, ठीक है ना। फिर सरप्राइजिंग रेशियो आ गया, ठीक है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अगर डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए या मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, एक नया कलर आपको देखने को मिल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली, तो यहां पर ये जो कैपिटल सी जीन है वो कलरफुल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जरा ध्यान दीजिए, कैपिटल सी है इसलिए चूहा क्या है, कलर्ड है, ठीक है ना, ओके, तो कैपिटल सी रेसेसिव ए के साथ है ना, इसलिए आपका कलर एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैपिटल ए या जरा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए ग्रे या एगोटी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहां पर स्मॉल सी जो जीन आ गया है ना, ये एक तरह का कैसा है, ये एक तरह का ईपी स्टैटिक जीन है जो एक एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है, जिसके कारण ये ग्रे ना होकर के एल्बिनो हो जा रहा है, सफेद। सिंपल सी बात है, जब कोई कलर नहीं होता है तो जो कलरलेस कंपोनेंट बनता है वो व्हाइट होता है, तो इसलिए एल्बिनो का मतलब व्हाइट, ठीक है ना। जबकि इस कंडीशन में देखिएगा ये एक एगोटी कलर है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर ये जो होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल सी जीन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जब स्मॉल सी जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है ना, तब ये एक एक्सप्रेशन को रोकेगा, लेकिन यहां पर ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, इसलिए एक एक्सप्रेशन को नहीं रोक रहा है, इसीलिए ये एगोटी कलर आपका दे रहा है। चलिए यहां पे मैं आपको रेशियो फाइंड आउट करके एक बार दिखा दूं। सबसे पहले हम लोग रेसेसिव इपिस्टेसिस को ही समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल सी जीन जो है जब रेसेसिव फॉर्म में होगा तो ये इपिस्टेटिक जीन होगा और कैपिटल ए ए के एक्सप्रेशन को रोक देगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली, आपका जो ये कंडीशन है, यहाँ स्मॉल सी जीन के साथ कैपिटल ए कैपिटल है, यानी ये क्या होगा आपका, एल्बिनो होगा, ठीक है ना। यहाँ भी वही कंडीशन है, स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए है तो ये भी एल्बिनो होगा, स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए ये भी एल्बिनो होगा, और यहाँ पर स्मॉल सी के साथ कोई है ही नहीं तो ये तो ऑब्वियसली आपका एल्बिनो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा लास्ट के जो चार हैं, यानी कि अगर हम एल्बिनो के लिए, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप दिखाएं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, ये चार क्या होते हैं, एल्बिनो आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कलर्ड की बात करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये पहला कलर्ड होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि कैपिटल सी है, तो ये भाई सिंपल सी बात है, ये कलर्ड होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये भी आपका कैपिटल सी स्मॉल सी है, ठीक है ना, इसके साथ स्मॉल है तो इसका एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, तो ये भी आपका कलर्ड ही होगा, ऐसा कंडीशन पूछाएगा। और तीसरा कैपिटल सी स्मॉल है तो ये भी बेटा क्या होगा, आपका कलर्ड होगा, क्योंकि कैपिटल सी कलर के लिए है और स्मॉल है तो एल्बिनो के लिए है, तो ये भी कलर्ड होगा,
ठीक है ना। इसके अलावा और जितने भी बच रहे हैं ये सारे अघोटी होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी हमारा रेशियो क्या मिला, एगोटी का रेशियो मिला 9, कलर्ड का रेशियो मिला 3 एंड एल्बिनो का रेशियो मिला 4, ठीक है ना। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, बताइए ये कलर्ड क्यों है, क्योंकि इसके साथ कैपिटल सी और कैपिटल सी कलरफुल के लिए, और इसके साथ जो उपस्थित जीन है ना वो रिसेसिव फॉर्म में है। यहां भी वही बात है, यहां भी वही बात है, ठीक है ना। इसके अलावा अल्बिनो के केस में तो आपको मैंने बता दिया कि स्मॉल सी जो होगा वो रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन है, जो कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है। यहां पर तीन जगहों पर कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल ए ग्रे कलर देता है और ग्रे कलर के एक्सप्रेशन को रोक देगा तो भैया कोई कलर नहीं, तो सिंपल सा कलर होगा आपका व्हाइट, तो ये आपका 4 एल्बिनो या व्हाइट मिलेंगे। एगोटी की बात कर लो तो एगोटी के लिए सिंपल है कि स्पेशली क्या होगा कि यहाँ पर कैपिटल ए जीन है, यहाँ पर कैपिटल ए है, ठीक है। और कहीं भी यहाँ पर स्मॉल सी आपको नहीं दिख रहा, जहां भी एगोटी आपको मिलेगा बच्चे कहीं भी आपको स्मॉल सी देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां भी आपको एगोटी दिख रहा है, ठीक है ना, कहीं भी आपको स्मॉल सी नहीं दिख रहा, सारे सारे कैपिटल सी है, इसलिए क्या है, इसलिए ये आपका एगोटी कलर दे रहा है। यानी इस प्रकार से आपने ये जाना कि कैपिटल सी जीन जो है वो कलरफुल के लिए, लेकिन कब वो कलर रिप्रेजेंट करेगा, जब उसके साथ स्मॉल ए रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन में पाया जाएगा। इसके अलावा ए जो होगा वो ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। दूसरी बात है वो ए कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब उसके साथ डबल फॉर्म में या होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल सी प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर होमोसाइगस रिसेसिव फॉर्म में अगर स्मॉल सी प्रेजेंट हो जाएगा तो अब वो ग्रे कलर को नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्मॉल सी कैपिटल ए के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, रोक देता है जी। यानी सिंपली आप यहां पर डेफिनेशन देख सकते हो, हियर द रिसेसिव एलील, यानी ये स्मॉल सी मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट एलील, ए के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है। ये भी आपको याद रखना है, रिसेसिव एपिस्टेटिस का जो रेशियो होगा 9:3:4, 9 एगोटी, 3 कलर्ड और 4 आपका एल्बाइनो।